गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ वीडियो शूट करने के लिए। एक्चुअली ये मेरा जो है वीडियो है, कवर सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसी के सिलसिले से शूट करने जा रहा हूँ। और यही दोस्तों का एक प्रोडक्शन हाउस है, ये लोग म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, तो मैं उनसे भी बाद में आप लोगों को मिलवाऊंगा। और उनका भी एक मूवी शूटिंग, वीडियो शूटिंग चल रहा है, म्यूजिक एल्बम का शूटिंग चल रहा है, उसका ये व्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड जल्दी मैं इनके साथ काम करूंगा अपने ओरिजिनल सॉन्ग पे। तो फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं लोकेशन ढूंढने के लिए। और गाइस, व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मुझसे कई लोग पूछते हैं, मैं इतना ट्रैवल करता हूं, शूटिंग में बिजी रहता हूं, तो शूटिंग के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान मैं बहुत ज़्यादा खाता हूं, फिर भी मैं अपना वेट कैसे मेंटेन रख पाता हूं। हाँ, ये सच है कि मैं ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा खाता हूं, बट फिर भी मैं अपने बॉडी का ख्याल रखता हूं। एंड देयर इज समथिंग जो मैं रेगुलरली लेता हूं अपने वेट लॉस के लिए, मैं लेता हूं ओजीवास न्यू ACV मैचा। मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को ग्रीन टी की बेनिफिट्स पता है। ACV मैचा हैज डबल द बेनिफिट्स ऑफ दैट इन वेट लॉस। मैं इसे रेगुलरली लेता हूँ अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए, इसलिए मैं हमेशा फिट रहता हूँ। और इतना ही नहीं, ACV मैचा मेरे स्किन को ग्लो करता है और मैं दिखता हूँ फ्रेश। अगर आप अपना एक छोटा सा रूटीन चेंज करते हो तो वो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो इस प्रोडक्ट को तो अपने रूटीन में जरूर ऐड करना। इसकी मैं स्पेशलिटी आप सभी को बताता हूँ, ये 100% नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बने हैं। दिस इज डबल बेनिफिशियल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेल्दी वेट। यूवी रेडिएशन जो आपके स्किन को डैमेज करता है, ये प्रोडक्ट आपको उससे भी बचाता है। दिस रिड्यूसेस स्किन पिगमेंटेशन बाय इनहिबिटिंग मेलानिन फॉर्मेशन एंड इंप्रूव्स स्किन टोन। इसे कंज्यूम करना भी बहुत आसान है, बस आपको ACV मैचा का एक स्कूप 150 ml वार्म वाटर में लेना है, और इसको लेने का बेस्ट टाइम है अपने खाने के एक घंटे पहले। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अबव द एज ऑफ 12 ईयर्स कैन हैव इट। If you want to try it out, I have mentioned the link in the description. ये मेरे दोस्त है ना, एकदम पक्के वाले दोस्त हैं, मतलब एकदम चड्डी बड्डी है, मतलब जिसमें आँख बंद करके मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ऐसे वाले दोस्त है। तो मैं उनसे ज़रूर आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा। वैसे आपने मेरे पिछले साल वाले व्लॉग में भी देखा होगा, लेकिन बहुत गैपिंग हो गया, तो मेरे दोस्तों से फिर से मिलवाना बनता है और उनका प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताना तो बनता है। तो गाइस, जो मेरा कवर सॉन्ग है यहाँ पर शूट होगा, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड बदक, और बहुत सुंदर है यार। ऐसे भी अभी रेनी सीजन, मॉनसून का सीज़न है, तो अभी तो बारिश नहीं हो रही है, बट क्लाउडी आप ऊपर देख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे एकदम फॉग है, जिसके वजह से हमारा वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप तांगोर को तो जानते हो, तांगोर इज़ माय फ्रेंड, और ये लोग भी मेरे फ्रेंड हैं, बट ये तीनों आप जो लोग देख रहे हैं ना, ये लोग, ये ब्लू प्रोडक्शन हाउस करके एक प्रोडक्शन हाउस है। ब्लू अल्फा, मेरी सॉरी। हाँ, तो ब्लू अल्फा प्रोडक्शन करके एक प्रोडक्शन हाउस है, और ये तीनों उनके मेंबर्स हैं। आपका क्या रोल है? हेलो गाइस, आई एम द, सब टीम है साथ में, सब टीम है, वैसे हम मिलके काम करते हैं, लेकिन आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो? अभी हम डायरेक्शन में हैं। डायरेक्शन में हैं, और आप? मैं कास्टिंग में। कास्टिंग में। और ये एडिटर डायरेक्टर कैमरामैन, ओके, मतलब ये थोड़ा मल्टी टैलेंटेड वाला बंदा है ना। और भी एक मेंबर है शायद आप लोग की टीम में, वो शिवा, और हम लोग एक्टर ना। ओके, हाय अर्जुन, ये लास्ट में मिला। तो गाइस, जो मैं म्यूजिक एल्बम के बारे में बात कर रहा था, इनका एक म्यूजिक एल्बम, ये मेन हीरो है इनका जो म्यूजिक एल्बम है इसका, तो इन लोगों से मैं कल अच्छे से मिलवाऊंगा, इनका जो शूटिंग है वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि ब्लू अल्फा प्रोडक्शन टीम कितना मेहनत करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से वीडियो बनाते हैं, और इनका जो क्वालिटी है एकदम बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर इस अरुणाचल के अंदर रहते हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहते हो, तो इन टीम को हायर कर सकते हो। दे आर यंग, वेरी एनर्जेटिक, इनके पास खुद की कार है और खुद ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कैमरा लेके, ड्रोन लेके, तो इनका जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया रहता है, कैमरा भी एकदम अच्छा क्वालिटी का यूज़ करता है। तो गाइस, इनका जो यूट्यूब का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग प्लीज़ इनको फॉलो करना। और मेरा भी म्यूज़िक एल्बम जो कि मेरा ओरिजिनल सॉन्ग होगा, बहुत जल्द इन लोगों के साथ आने वाला है। ओनली वन इन अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये कैमरा? इट्स एन सिनेमा कैमरा। ओके, सिनेमा कैमरे से फोटो नहीं खींचा जा सकता, लेकिन वीडियो लेके इसे स्क्रीनशॉट तो लिया जा सकता है ना। ओके यार, बैकग्राउंड देखिए आप, लोगों को इग्नोर कीजिए, लोग इतने हैंडसम नहीं है दिखने में, लेकिन बैकग्राउंड देखिए यार, लेकिन इस बैकग्राउंड के साथ मेरे दोस्त लोग भी हैंडसम लग रहे हैं। जैसे तुम बोलेगा ना पेड़ तक ले लिया, तो तुम टेंशन ही बोल के चिल्लाओ। हाँ, काम दौड़ना पड़ेगा। और गाइस, आप बैकग्राउंड देख सकते हो, क्या खूबसूरत है यार वो पहाड़ का ना, ये जगह ना
अर्थ नहीं है, दिस इज जन्नत, तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए पासीघाट। चलो 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 चलो, रोलिंग एक्शन एक्शन। हाँ हाँ सिनेमा कैमरा। हाँ बोलो बोलो। इतना हैंडसम लग रहा है, एक बार फोकस इधर देखा तो। इधर देखा, इधर लोकन जैसा लग रहा है। ये अरुणाचली लड़के है ना, ये ना अरुणाचली है ना, ऐसा लग रहा है कोरियन जैसा लग रहा है कोई। एक जगह मेरा लिपसिंग था, मिस वैसा लगा, बहुत सुंदर हो गया। मैं ड्रोन शॉट, ड्रोन लेके आने से दिखता ना। तो गाइस हमारा जो म्यूजिक एल्बम है वो जो ओनली 2 मिनट्स का था शूट हो गया है, और ये मेरे चैनल में आएगा बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी नहीं शायद ये वीडियो बाद में आएगा, पहले ये वीडियो, मेरा जो कवर सॉन्ग है मेरा चैनल, पहले मेरा सॉन्ग आएगा उसके बाद ये वीडियो आएगा। तो अब म्यूजिक का कारण मेरा थोड़ा गंदा हो गया ना, तो मैं अपने गाने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गाइस वी आर फाइनली डन इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस, हमारी शूटिंग हो चुकी है, अभी हम जाएंगे इनके साथ, अभी हम चिल करेंगे, फिलहाल तो बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो थोड़ा चिल करेंगे, उसके बाद कर्फ्यू लग जाएगा तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद कल मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा, ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे, कल मैं आप लोगों से मिलवाऊंगा, इनका प्रॉपर जो शूटिंग है कैसा होता है वो मैं दिखाऊंगा। तो गाइस जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि मैं जो तू मेरे दिल खिले का जो कवर सॉन्ग मैंने बनाया था उसको मैं बहुत ही फास्ट गाता था, जैसे कि तू मेरे दिल खिले और जिन्हें को क्या चाहिए नाउ तू दा 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 ऐसा करके गा रहा था। और वो क्यों गा रहा था मैं ऐसा, क्योंकि वीडियो को जब हम बाद में स्लो मोशन में कन्वर्ट करें तब हमारा लिप सिंकिंग मिले ओरिजिनल ऑडियो के साथ, तो ये होता है टेक्निक, तो उसी टेक्निक का यूज़ किया है एक्चुअली, वो आइडिया भी मेरा था। भाई मैं ये लोग जब तक रेस्ट कर रहे हैं तब तक क्या व्लॉग बनाऊं, इस व्लॉग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, तुमको पसंद नहीं आएगा, तुम देख के बैठे रहना ना कैमरा। क्या सीन शूट हो रहा है कैनेडा अभी? अभी हाँ, अभी ये लड़की जो गुस्सा हो गया आ रहा होगा लड़का का उधर में, हाँ तो फोकने वाला था ना इसलिए फोकने वाला था ना। हाँ ओके, ये पहला मुलाकात है क्या? यप। ओके ओके, तो ठोकने वाला था, ठोका क्यों नहीं? क्या करें, ठोका होता था, अभी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ता ना। कितना स्माइल है आपके चेहरे में, अच्छा लग रहा है। गाइस ही इज माय फ्रेंड, हिज नेम इज प्रवीण बासर, बट आप लोग शक्ल ध्यान से देखिए इसका। ओके ओके, किससे से मिलता है, किसे बॉलीवुड एक्टर से मिलता है? रोलिंग एक्शन। यहाँ पे हीरोइन गुस्सा होते हुए कैसे, अरे हंस रहे हैं, हमको लगा गुस्सा होने वाला सीन है, बल्कि हंसने वाला सीन था क्या? नहीं गुस्सा, हमें तो दरवाजा तोड़ देगा, पूरा लग रहा था रे शीशा। रोलिंग एक्शन। यूजीन तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए क्या है? ओके बर्गर, थैंक यू सो मच, इट लुक्स सो डिलीशियस। तो गाइस हियर इज द हीरो एक्टर ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम, हाय आपका नाम बताइए ना। मेरा नाम ममकिंदा है। ममकिंदा है, हां जी। आप कहां से हैं? पासीघाट से हूं। पासीघाट से, और ये गाना क्या गाना है, मतलब रोमांटिक सॉन्ग है? इट्स अ लव स्टोरी सॉन्ग एंड गाया हुआ है नोबिन मोरंग, हिंदी गाना है ना? हिंदी गाना है। ओके लव सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, आप लोगों को अच्छा लगे होप करता हूं। ओके तो ये म्यूजिक एल्बम में आपको ब्लू अल्फा टीम प्रोडक्शन के साथ काम करिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सब जितना भी आपके मेंबर्स है सब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको। हाँ एंड देन होप करता है कि जैसे काम अच्छा चल रहा है, वीडियो भी अच्छा चल रहा है, अच्छा हो, मतलब हम जो आपका बिहाइंड द सीन्स देखा था क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी भी अच्छा था, आप लोग एक्टिंग भी बहुत अच्छा था, थैंक यू, और स्टोरी भी अच्छा ही लग रहा था। तो ये आपका ये फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। ओके तो अभी आप सोचा था कभी कि ऐसा किसी म्यूजिक एल्बम में हीरो बनने मिलेगा? नहीं कभी नहीं सोचा था ना। ऑक्यूपाइड और सिंगल? नो सिंगल ना। ओके नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है। अभी हीरोइन का इंटरव्यू लेते हैं। नाइस टू मीट यू।
या और गाइस हीरोइन से मिलवाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ब्लू अल्फा प्रोडक्शन टीम है ये लोग वीडियोग्राफी का काम करते हैं, तो आप इनको हायर कर सकते हो। मैं इनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं आप। मैं लिंक दे दूंगा तो आप लोग देख ही लोगे म्यूज़िक एल्बम को। और ये लोग फंक्शन जैसे कि कुछ फेस्टिवल वगैरह मनाया जा रहा है और कुछ प्रोग्राम है तब भी आप इनको हायर कर सकते हो, इनका फ़ोन नंबर दे दूंगा। और अगर वेडिंग वगैरह हो रहा होगा, क्योंकि अभी विंटर सीजन आने वाला है तो वेडिंग होगा, तो ये लोग पासीघाट में रहते हैं। बट अरुणाचल के अंदर आप कहीं भी बुलाओगे या फिर असम के आसपास का जो इलाका है कहीं भी बुलाओगे ये लोग आ जाएंगे। इनका फीस भी रीज़नेबल है, तो आप लोग कोई भी फेस्टिवल हो, प्रोग्राम हो, वेडिंग सेरेमनी हो, कुछ भी हो, आप लोग वीडियोग्राफी के लिए इनको बुला सकते हो। मैं फ़ोन नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लू अल्फा प्रोडक्शन टीम, द बेस्ट टीम ऑफ पासीघाट। कालें हमको भी एक वीडियो में थोड़ा मौका देना, हीरो बनने का थोड़ा मौका देना, मतलब। लेकिन ये म्यूजिक एल्बम नहीं चाहिए, हमको मूवी चाहिए। मूवी हाँ नहीं, हम वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अल्फा वन। लेकिन वो नहीं चाहिए हमको, वो नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, ऐसा नॉर्मल लव स्टोरी वाला मूवी नहीं चाहिए। मतलब VFX भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस साउथ इंडियन मूवी का हीरो ऐसा होना, मतलब बहुत ताकतवर। हम पतला है लेकिन भी बहुत ताकत होना है मेरे अंदर, एक पंच मार से तरह उड़ जाना है सर। ये तो गाइस हेयर इज आवर ब्यूटीफुल हीरोइन। आपको सबसे पहले अपना नाम बताइए। देखा, समझ गया। इसे कहते हैं मौके में चौके मारना। तेरे इंस्टाग्राम आईडी बता दे, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा। एमेलिया आईजी, रियल नेम है बरखा राणा, एंड यू आर फ्रॉम तेजू। तेजू, आई एम फ्रॉम रोइंग, लेकिन प्रेजेंटली हम तेजू में रह रहे हैं। तेजू में रह रहे, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई हम बाहर में करते हैं, तो हैदराबाद में रहते हैं हम, तो वापस ही जाएगा अभी ये एल्बम के बाद। ओके, क्या का पढ़ाई कर रहे हैं आप जी? इस बार हम कॉलेज ज्वाइन करेगा। ओह, तो क्या मतलब? बीकॉम। ओके, तो और यहाँ पे आपको पासीघाट आके कैसा लग रहा है? पासीघाट आके अच्छा लग रहा है, घुमा तो नहीं है अभी, वैसे थोड़ा घुमाया हमको भैया लोग, अभी शायद से शूट का बाद में घुमाएगा बोला था। और ये ब्लू अल्फा प्रोडक्शन टीम कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मतलब सब लोग बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंकली, हम एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। आखिर दोस्त किसका है? आखिर दोस्त मेरा दोस्त लोग हमारे। तो आपका ये फर्स्ट टाइम है किसी? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस तो अभी गेन करने के लिए मिल रहा है हमको, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब हमसे नहीं हो पाता ना, लेकिन भी हमको मतलब हो जाएगा, तुम सक जाएगा, तुम कर पाएगा बोल के, वो सपोर्ट बहुत अच्छा है। और हम तो अपने तरफ से वही विश करेगा कि आप बहुत आगे बढ़ो, और जैसे अभी कॉन्फिडेंट है ना आप, जो वैसे ही कॉन्फिडेंट रहो। थैंक यू। और कुछ बोलना है आपको? कुछ भी नहीं, आपसे मिलना था और खुश है अभी हम। थैंक यू, और थैंक यू हमको वीडियो में लाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। फ्यूचर में हम लोग भी जरूर साथ में काम करेंगे। हाँ, ठीक है। थैंक यू। आई बिलोंग टू दिस फील्ड, राइट? हम लोग का तो वो होना बनता है, साथ में काम करना बनता है। हाँ, जरूर, ठीक है। तो गाइस ब्लॉग को शायद मैं यही पे एंड कर दूंगा। आपको देखने को मिल गया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा कि शूट कैसे किया जाता है। एक्चुअली इनका प्रॉम नाइट का भी सीन शूट होना है, अगर पॉसिबल होता तो मैं उसको ब्लॉग में डालता, लेकिन मुझे भी अभी कहीं निकलना है, मैं कहीं दूसरे जगह पे जा रहा हूँ, तो मैं इनका साथ और नहीं दे पाऊँगा। तो गाइस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, इस खूबसूरत हसीना के साथ। तो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।